नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ओम परशुराम पाटिल। मैं एक ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सर्जन हूँ। मुंबई में काफी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में काम करता हूँ। आज का टॉपिक है हमारा डूज एंड डोंट्स ऑफ फ्रैक्चर्स। अगर आपको कभी इंजरी होता है, कभी पैर ट्विस्ट हो जाता है या हाथ में हाथ के बल पे गिर जाते हो तो आपको फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको फ्रैक्चर हो सकता है तो क्या क्या साइंस है, सिम्टम्स है जिसमें हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमें फ्रैक्चर होगा है? तो आपके जॉइंट्स में मूवमेंट करने के लिए आपको दिक्कत हो सकती है। आपको पैर के ऊपर वजन देने में, अगर पैर में इंजुरी है तो पैर के ऊपर वजन देने में इंजुरी हो सकती है, इसमें डिफिकल्टी हो सकती है। या आप बिल्कुल बेड से उठ ही नहीं पा रहे हो, या जमीन से उठ जहां से जब भी गिरे हो तो जमीन से उठ नहीं पा रहे हो तो आपको फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो भी भाग में, जो भी पार्ट में आपको इंजुरी हुआ है वो पार्ट को आपको इमोबिलाइज करना है। इमोबिलाइज मतलब, सपोज आपके हाथ में अगर कुछ इंजुरी हुआ है तो आप इमरजेंसी में यहाँ पे एक पुट्ठा लगा के, सपोर्ट लगा के, कमची लगा के उसको सपोर्ट दे सकते हो हाथ को। या पैरों में अगर कभी एंकल में इंजरी हुआ है या लेग में इंजरी हुआ है, आपको फ्रैक्चर दिख रहा है तो उसको आप सिर्फ एक दो लकड़ियों के सहारे उसको सपोर्ट देना है और फिर इमीडिएटली जो नजदीकी हॉस्पिटल के पास जाके दिखाना है। सेकेंड, फ्रैक्चर में सबसे पहला होता है रेस्ट। तो मतलब जहां पे भी आपको मूवमेंट हो रहा है उसको आपको रेस्ट देना है, वो जगह पे मूवमेंट नहीं होना चाहिए। सेकेंड है इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन मतलब आपको मैंने जो बताया कि उसको कमची लगाइए या पुट्ठा लगाइए और तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। थर्ड, कंप्रेशन। रेस्ट, इमोबिलाइजेशन, कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब उसको टाइट बैंडेज से बांध के रखना है, सो दैट वहां पे मूवमेंट ना हो, और मूवमेंट होता है तो हड्डी और फ्रैक्चर की जगह से हिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और तीसरा चीज है एलिवेशन, RICE। रेस्ट, इमोबिलाइजेशन, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। तो एलिवेशन मतलब जो भी भाग का आपको इंजरी हुआ है वो पैर को आप ऊंचा रखिए। ऊंचा रखने से क्या होगा, वहां पे नीचे ब्लड फ्लो, वहां पे स्वेलिंग नहीं आएगा, वो स्वेलिंग जल्द से जल्द उतर, ग्रेविटी से उतर जाएगा। तो रेस्ट, इमोबिलाइजेशन, कंप्रेशन एंड एलिवेशन, तो ये दिस इज बेसिकली प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर एनी फ्रैक्चर। वो आपको हाथ में हो सकता है, आपको पैर में हो सकता है, आपको स्पाइन में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। सो बेसिकली प्राइमरी फ्रैक्चर के लिए। अब उसके ट्रीटमेंट क्या है, तो बहुत बार अगर फ्रैक्चर हेयरलाइन रहेगा तो हेयरलाइन फ्रैक्चर को नॉर्मली प्लास्टर से या कच्चे प्लास्टर से, मतलब हम उसे स्लैब कहते हैं, या कुछ वॉकर बूट या प्रोस्थेसिस सप्लीमेंट ऑर्थोटिक्स से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अगर हेयरलाइन फ्रैक्चर नहीं है, कंपाउंड फ्रैक्चर है, मतलब आपको फ्रैक्चर के साथ कुछ जख्म है, कुछ इंजरी है, तो आपको सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। आपका अगर फ्रैक्चर एक अलाइनमेंट में नहीं है और वो अलाइनमेंट से स्लिप हो गया है तो आपको सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। सेकंड, आपको अगर वहां पे ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रहा है या कोई नस को डैमेज हुआ है तो ऐसे केस में भी आपको सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। अभी अगर आपको फ्रैक्चर हुआ है तो आपने क्या नहीं करना चाहिए, या आप अगर फ्रैक्चर सर्जरी के लिए प्लान कर रहे हैं, मतलब इमरजेंसी में आपको सर्जरी करने की जरूरत पड़ रही है, तो सबसे पहले तो अगर आपको इंजरी है तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपने स्मोकिंग, अल्कोहल लेना बिल्कुल बंद करना चाहिए। सेकेंड, आपको जो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट एडवाइस किया है वो ट्रीटमेंट आपको रिगरसली फॉलो करना है। थर्ड, आपको जितने भी मेडिकेशंस, इंस्ट्रक्शंस डॉक्टर ने बताए हैं या फिजियोथेरेपी एडवाइस की है वो आपको कंटिन्यूअसली आपके जो स्टिचेस निकलने तक फॉलो करना है। ये बेसिक चीजें अगर आप रेगुलरली फॉलो करोगे तो आपको फ्रैक्चर रिकवरी में जल्दी मदद होगी। आपका जो फ्रैक्चर हीलिंग है वो नॉर्मली, फ्रैक्चर हीलिंग नॉर्मली 4 to 8 weeks में स्टार्ट हो जाता है और इट कम्प्लीट्स बाय द एंड ऑफ 9 to 12 months। तो कोई भी फ्रैक्चर होता है जिसे हम सर्जरी करेंगे या प्लास्टर करेंगे तो कंप्लीट नॉर्मल स्ट्रेंथ आने के लिए कम से कम 12 महीनों का अवधि लगता है। तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट टू नो
कि फ्रैक्चर्स में क्या करना चाहिए और फ्रैक्चर्स के ट्रीटमेंट के बाद हमें क्या केयर लेना चाहिए। बहुत बार आपको अगर पैरों में इंजरी है तो आपको डॉक्टर नॉन वेट बेयरिंग कहते हैं, मतलब पैर के ऊपर वजन नहीं देने के लिए बोलते हैं। तो जब तक आपको डॉक्टर वजन देने की परमिशन अनुमति नहीं देते हैं, तब तक आपको पैर के ऊपर वजन देना या विदाउट डॉक्टर चलना स्टार्ट नहीं करना है। तो ये सब बेसिक चीजें हैं। आप अगर आपको और भी कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप हमारे इस चैनल पे नीचे क्वेश्चन डाल सकते हैं। वी विल ट्राई टू आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेरीज। थैंक यू।